बेसिकली हम गए थे आरुषि को देखने, लेकिन वहाँ पे मुलाकात होती है उनके पापा से और उनके भाई से, जिनसे पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है। एक्चुअली ये पूरा प्लान सारथी का था, तो अभी हम सारथी से बहुत नाराज़ हैं, इसीलिए इतनी सारी मतलब इतना सारा गुस्सा आप सुन रहे थे और इतना सारा ड्रामा आप सुन रहे थे। वेल, प्लानिंग सारथी की नहीं थी, प्लानिंग द ग्रेट विधान वत्सल की थी। सारथी बेचारा बलि का बकरा बन गया इसमें, बट जोक्स अपार्ट, सारथी इज माई मैसेंजर। तो वो मेरी बातें माँ तक पहुँचाता है, जो भी इनडायरेक्टली पहुँचानी होती है। तो उसने बात पहुँचाई, माँ वहाँ गई और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका भाई, यू नो, उसका भाई और बाप दोनों बहुत बुरे हैं, एक बेड़ा है और दूसरा जुआरी है। तो एक्चुअली ये है कि हमें मनोहर मतलब सारथी पे बहुत भरोसा है, तो जब वो ऐसी कोई लड़की के बारे में इतनी तारीफ लेकर आता है तो हम सबको लगता है कि हमें देखनी चाहिए, इसीलिए उम्मीद हमने बहुत बांध ली थी। और आपको तो पता है कि हम विहान की शादी को लेकर काफ़ी परेशान है, साल से ढूंढ रहे हैं, तो हमें एक्चुअली लगा था कि फाइनली एक अच्छी लड़की मिल गई है, इसीलिए हम एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गए। उस वक्त आरुषि वहाँ थी नहीं, तो यही एक उम्मीद है विहान के लिए कि कहीं ना कहीं वो माओं के सामने आरुषि का सच्चा चेहरा ला सकती है, कि आरुषि खुद उसके घर में रहकर उसके भाई से, उसके बाप से और यू नो सभी बुरी चीज़ों से खुद भी फाइट कर रही है, तो उसकी सच्चाई जब माओं के सामने आएगी तो आई एम श्योर यू नो माएँ उसे एक्सेप्ट करेंगी।